तो आज खाने काबा को अलविदा कह दिया है। पूरे 20 दिन पता ही नहीं चले कि हमने 20 दिन गुजारे हैं। ऐसा लगा जैसे सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे और वो गुजर गए। और व्लॉग नहीं बन रहा बाद। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से। आज अभी आयशा मस्जिद जा रहे हैं हम नियत के लिए। तो अभी हम बस में जाएंगे क्योंकि टैक्सी बड़ी एक्सपेंसिव है। तो अभी देखते हैं अगर हमें बस आराम से मिल जाती है तो, और ये बस वाला ही बता सकता है कि हमें कौन सी बस लेकर जाएगी। आ गए आयशा मस्जिद और यहाँ पे जमात खड़ी हो गई है, लेकिन हम जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे। अब ये है कि हम अपनी जहर की नमाज़ अदा करेंगे। लोगों को बताऊँ, हरम में भी लोग इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं, इतना मांग रहे हैं। अभी वो पुलिस वाला उस औरत को पकड़ता हुआ लेके गया, ये देखें उसका पर्स पकड़ के लेकर गया, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मांग रही है। कैसे, मैंने बोला तुम कुछ कहना चाहोगी ब्लॉग में? यहाँ पे इतने मतलब भीख मांगना अलाउ नहीं है। फर्स्ट ऑफ तवाफ का टाइम भी भीख मांग रहे थे। अरे आज तवाफ करते हुए दो लड़के कैसे आए? दो लड़के यार की हमारी प्लीज मदद कर। वो तो मैं भूल ही गई, हम लोग तवाफ कर से ज्यादा लोग तो ऐसा लग रहा है उमरे को छोड़ के भीख मांगने आए हैं यहाँ पे। इतनी बुरी बात है ना ये, कसम से है। तो मैं सामने आया था, मैं बहुत मैंने इसकी आधी बात सुनी और आगे छोड़ी। बोलने का तरीका बोलो, देख देखते बोल अगेन। यार वो मेरे सामने खड़ा हुआ था और दिस इज अ रियलिटी। मुझे इतनी हैरत हुई थी, मतलब मैं परेशान हो गई, मैं हैरान हो गई कि ये क्या। आप बता पहले कैसे बोलती? यार वो मेरे सामने आया ना तो मेरे को इसको क्या हो गया। यार प्लीज नबी आ जमजम पिलाओ, सवाब मिलेगा। हां पिलाओ, पैर चल गए। आज तुम मुझे पिलाओ। और हमारा फिफ्थ तुमरा डन हो गया माशाल्लाह। पानी नहीं पिला रही हो? पानी बोलिए, क्या पिलाना, तुम क्या पिलाना चाहती हो हमें? पानी यार हम नहीं जा रहे। जा रहे इतना परेशान क्यों यार? हर कोई अरबी में पता नहीं क्या क्या पाकिस्तानी को हमें गालियां दे के जाते हैं। पता नहीं पाकिस्तानियों से उनको क्या नफरत है या क्या है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं अरबी सीख कर आऊंगी और मैं रिएक्शन मतलब ऐसा दूंगी, पहले बात सुनूंगी, मतलब उनको लगेगा कि मुझे जवाब नहीं आता है, मुझे अरबी समझ नहीं आ रही, और फिर मैं अचानक से अरबी में जवाब दूंगी। यल्ला यल्ला मतलब यल्ला वे वे यल्ला वे वे। हम तो यहां पे सिर्फ यही पढ़ते हैं ना। मैं अरबी सीख कर आऊंगी इंशाल्लाह रब्बिल आलमीन इंशाल्लाह। अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं। अल्लाह मैंने अस्सलाम, बहुत भूख लग रही है पलवाशा। तुम्हें भूख नहीं लग रही है? पलवाशा को भूख नहीं लगती, लेकिन जब पलवाशा हमारे साथ खाती है तो खाने बैठ जाती है। तो खाने बैठ जाती है, खाने पीने में भूख नहीं लगती। जो बात है पहुंचते मेरा रंग ऐसा ना। जो बात है, मुझे भी यही लग रहा है मेरी बात है, सन बर्न हो गया। हम लोगों ने धूप में जो तवाफ करे कल भी आज भी सन बर्न भी हो गया हमें। सन बर्न, ओह माय गॉड, क्या होता है ये? क्या होता है? बताओ, मैं यहाँ पे वेटिंग कर रही हूँ और अभी मैंने जो है यहाँ पे खाना ऑर्डर करा है, चावल, मछली, रोटी और मैक्रोनी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और मैंने मतलब एक टाइम में मेरा 60 रियाल का खाना आया, मतलब यार वेरी एक्सपेंसिव, मतलब मेरे लिए तो एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा मसला ही नहीं है सच, क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा है, या तो टेस्ट देख लो या तो पैसे देख लो, लेकिन खैर यहाँ पे खाना अच्छा है बहुत ज़्यादा। अभी अंदर जो लड़के खड़े हैं वो सब मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। खैर लेकिन सब बहुत अच्छे हैं, मैंने उनसे जो है ना 5 रियाल कम कराया, उन्होंने कर दिए। लेकिन खैर अभी खाना लेती हूँ, मम्मा बहुत ज़्यादा भूखी हो रही है और बस फिर मैं निकलूँगी खाना लेके। तो यहाँ की मछली बहुत मज़े की, अगर आप लोग आएँ तो मॉल के अंदर मैकडोनल्ड्स के साथ ही मॉल के अंदर एंटर होंगे, सीधा सीधा आगे आना है, आपको ये वाला रेस्टोरेंट मिल जाएगा। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फूड इज हियर, मैंने खाना ले लिया है, अब मैं जा रही हूँ होटल। मम्मा बहुत ज़्यादा भूखी हो रही है और मैं भी भूखी हो रही, मम्मा की कॉल आ रही थी कब आऊँगी, तो बस अब होटल जा रही हूँ। और मैं बाहर से भी आप लोग को दिखाती हूँ कि ये रेस्टोरेंट किधर था। ये देखें, ये मैकडोनल्ड्स बना हुआ है, मैकडोनल्ड्स, और सामने KFC और अलबैग बना हुआ है। इससे आप अंदर आएंगे सीधा, आपने अंदर जाना हो तो सीधा आपको रेस्टोरेंट खुद ही मिल जाएगा, या आप किसी से पूछेंगे तो। बहुत अच्छा खाना है,
इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये बहुत अच्छा खाना है, मजे का खाना है। होटल जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है क्योंकि अब मगरिब की अजान भी होने वाली है। मैं ये देखें, ये रहा मैकडॉनल्ड्स, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और यहाँ सामने बिल्कुल अलबैग बना हुआ है और ये सामने हरम है, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जैसे ही धूप जाती है वैसे ही मौसम इतना प्यारा हो जाता है। और यहाँ की धूप है तो कड़क लेकिन काबिल बर्दाश्त होती है क्योंकि हरम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और इतना प्यारा व्यू लगता है। मैं आज व्लॉग जानबूझ के बना रही हूँ, वो इसलिए मेमोरीज़ के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद मुझे यहाँ की कितनी ज़्यादा याद आने वाली है, क्योंकि आज मैं जब क्या कहते हैं उम्रा कर रही थी, मैं इतना रोई हूँ सिर्फ इस बात पे कि पता नहीं अब कब नसीब होगा, कब आना होगा। बस यही दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक मुझे हज की तौफीक दे और मुझे हज करवाए और मैं जल्द अज जल्द यहाँ पर आऊँ। इसलिए बस बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी क्योंकि मेरा लिटरली यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं है। 19 दिन, मतलब हमें तो अभी 17 दिन हो गए, 17 दिन मतलब पता ही नहीं चले, ईद भी गुजारी, 17 दिन मतलब कैसे गुजारे यार। मतलब मैं कहीं और जाती हूँ, मैं एक हफ्ते ज़्यादा नहीं रह सकती, मेरी बस हो जाती है, मुझे बोरियत होने लगती है, मुझे वापस घर आना होता है, लेकिन यहाँ पर मम्मा भी यही कहती है हम ट्रिप्स पे जाते हैं हमें वापस आने की लगी रहती है, हमारा दिल नहीं लगता। और यहाँ पर तो भाई मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारा खाना है, बहुत महंगा था, उसने नहीं लिया, उसने कहा बहुत महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और ऑलरेडी उसके पास थे तो उसने। ओ, आप लोगों को मैं बताऊँ, उम्रा करने के बाद हमने इशा की नमाज अदा की थी, वापस आके मैंने व्लॉग नहीं बनाया, फिर हम लोग होटल चले गए थे और अब हम लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और आज हमारा मक्के में लास्ट डे है और इतना रश है माशाल्लाह से, इतना रश है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों को दिख रहा हो ये देखें, मतलब ये रमजान नहीं है, उसके बावजूद रश अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मतलब बहुत रश है, इतनी आवाम कहाँ से आई है पता नहीं, अभी थोड़ी सी कम हो गई थी लेकिन अगेन मुझे लगा आज जुम्मा है मे बी इसलिए ज़्यादा रश है, बट नहीं भाई आज तो जुमेरात है और जुम्मे को हमारी वापसी है दोपहर की 2 बजे। आज मैं और नबिया साथ तवाफ करेंगे और मे बी पलवशा भी हमें ज्वाइन कर सके। मुझे इतनी प्यास लग रही है, मैंने अपने आप को रोका हुआ है क्योंकि मुझे आबे जमजम पीना है इस वजह से। तो भाई फजर की नमाज़ अदा कर दी थी, तवाफ हमारा डन हो गया था, अब हम लोग आए हैं आलू भरे पराठे खाने। यहाँ पर मम्मा कह रही है कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के आलू भरे पराठे यहाँ मिल रहे हैं, तो लेट्स ट्राई कि कैसे हैं। और आज हमारा लास्ट डे भी है तो बहुत याद आएगी ये जगह यार, इतना मम्मा अंदर गई कैसे, मैं तो ये सोच रही हूँ, पता है वो जो हमारे घर में लाल चटनी मिलती है ना वो खाने का दिल चाह रहा है, मुझे लहसुन और हम लोग लाल चटनी तो बनेंगे। मम्मा यहाँ गई, अम्मा आप यहाँ कैसे गई थी? तो आप लोगों को बताऊँ कि आज जुमेरात की रात है और कल जुम्मा है और हमारी कल वापसी है, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कल हमारी वापसी है क्योंकि मेरा दिल इतना उदास हो गया है, मैंने आज व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि तो बनाया ही नहीं गया, मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, मेरा व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा था क्योंकि हम लोग कल चले जाएंगे और मेरा दिल नहीं है। मैंने मम्मा से बोला भी हम टिकट और एक्सटेंड करवा लेते हैं लेकिन फिर जाहिर सी बात है घर भी है, घर में सब है, परेशान हो रहे हैं, जाना है वापस। तो अल्लाह के फजल करम से होटल पहुंच गई हूँ, अब नहाएंगे धोएंगे जुम्मे की तैयारी करूँगी, फजर में कर लूँगी की तैयारी क्योंकि पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, बस हट जाऊँगी ब्लॉग में ही, इतना मतलब रोना है, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, दिल नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। मम्मा की तो तबीयत सही नहीं है तो वो होटल ही है, मम्मा भी आज बहुत रोई हैं कि वो होटल हैं और वो हरम नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा रोई हैं कि मुझे मतलब आखिरी दीदार नहीं मिला खाने काबा का। तो मैंने उनको चुप कराया, मैंने कहा आपने सारी ताक रातें ली हैं, आपने
तक सब कुछ आपने कुछ मिस नहीं किया। होता है इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, आप नहीं जा सकती हैं माँ, तो खैर है, खैर आपने पास करी होटल। और जब मैं फजर के लिए जाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट दूँगी। अब मैं ब्लॉग रखती हूँ, बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है, मैं भी सबके लिए बहुत सारी दुआएं कर रही हूँ। हमारे पाकिस्तान मुल्क के लिए मैंने बहुत दुआएं की हैं, इमरान खान के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, फ़लस्तीन के लिए की हैं, लड़कियों के लिए की हैं जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए की है, सबके नसीब के लिए दुआ करिए, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह पाक क्या पता किसी की दुआ के सदके में मेरे नसीब खोल दे और मेरे नसीब अच्छे कर दे। और मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अरे सोचा लास्ट मेमोरी बना लूँ, कुछ भी बोलने का दिल नहीं चाह रहा, ना ब्लॉग बनाने का दिल चाह रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ आज का दिन मतलब थोड़ा सा बना लूँ। पता नहीं क्यों मुँह ना आ रहा है, दिल नहीं चाह रहा। तो आज खाने काबा को अलविदा कह दिया है, पूरे 20 दिन पता ही नहीं चले कि हमने 20 दिन गुजारे, ऐसा लगा जैसे सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे और वो गुजर गए। और व्लॉग नहीं बन रहा, बाद कह दिया है अलविदा, निकल गए हैं होटल से अपने। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और अब का सफ़र स्टार्ट होगा घर के लिए, और अब फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं। और बस हमारी खड़ी हुई है, हम यहाँ इससे यहाँ से जद्दा जाएंगे एयरपोर्ट, कनेक्टिंग फ्लाइट है, ये बड़ा मसला है, 4 घंटे हमारी वेटिंग है, बहुत मसला है ये। हाँ हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, बट हमारे पास इतना ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा टेंशन ये कि 20 किलो का ले सकते थे आप पता नहीं। और बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे आयत की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बिट्टू और गुग्गू की भी बहुत याद आ रही है, तो पता नहीं सफ़र कैसा गुजरेगा। सोए नहीं हूँ पूरी रात की, पूरी रात हर हम लोग बैठी रही हूँ मैं सुबह तक। क्या हुआ रिशा, क्यों परेशान हो इतनी? अरिशा क्या हुआ है? हम आए थे, हमारे पास ये बैग नहीं था और ये बैग भी और बाकी सामान भी एक्स्ट्रा हो गया, शुक्र है हम सामान कम लाए थे, तो सामान ज़्यादा हो गया ना हमारा, मतलब हम अमीर है ना, इसमें शर्माने की क्या बात है यार, मेकअप की वजह नीचे खा रही है, मैंने सब बताया आपको, पता नहीं क्या यार अजीब, मेरा मेकअप भी अच्छे हैं यार, नूर आ गया चारों को, बच्चा भी तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बहुत ज़्यादा पैनिक होने के बाद हम लोग जो है जहाज़ में बैठ चुके हैं। अब आप लोग को मैं बताऊं कि इतना पैनिक था, सब कुछ इतना पैनिक था कि हमारे बैग्स अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लगेज की वजह से हम लोग फंस गए थे बहुत बुरी तरह। लेकिन जैसे तैसे करके जो मैंने वहाँ से बैग ख़रीदा था अपना 50 रियाल का, वो मुझे फेंकना पड़ा, सामान मैंने कुछ नहीं फेंका, मैंने अपना सारा सामान शॉपर में डाला, उसको हैंड कैरी बनाया और जैसे तैसे करके निकल गए, और वहाँ पे हमारे 2 घंटा वेस्ट हुए। उसके बाद इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ हुआ, एक बैग फिर भूल गए, फिर बहुत सब कुछ पैनिक हो गया था, लेकिन फिर याद आया हमारा बैग तो इन्हीं लोगों के पास था, फिर सब कुछ नॉर्मल हुआ अल्लाह के फजल करम से। अब फाइनली कनेक्टिंग फ्लाइट हमारी ख़त्म हो गई थी, अब हम डायरेक्ट कराची उतरेंगे और कराची जाके मैं आप लोगों से मिलूंगी। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, क्यों अम्मा क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अम्मा, बस परेशान, छोड़ के चले जाएंगे, जहाज चला जाएगा, छोड़ के चले जाएंगे, जहाज चला जाएगा, हुआ कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, बोटिंग हो गई है, कोई मसला नहीं, छोड़ के चले जाएंगे, वो जहाज उड़ जाएगा यार अम्मा। एक मिनट, सबसे ज्यादा जो है अकलमंद अरीशा एंड पलवशा निकली, इनका जितना सामान था उन्होंने बंदा पकड़ा, आंटी पकड़ी, अच्छा ना ठीक है, लड़ना शुरू हो गया, आंटी मिली फरिश्ते के रूप में, 1100 रियाल मुझे, 1100 रियाल 1100 रियाल कैसे तुमने 1100 रियाल पे करे? दोबारा स्क्रिप्टेड, मम्मी मम्मी
सुनो मामी, मम्मू मामी को मैंने भी आधे ही प्यार किया, आपको भी उभरा। अभी देखना रिमा के पास नहीं आएगा, अभी देखना हम लोग रोएंगे जाते हैं। मैं सबके रिएक्शन ले रही हूँ अपने फोन में। मम्मी बहुत सारे गिफ्ट लाई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आंटी सबके लिए हाल लाई। चलो भाई चलो मिलो। ओए ओए साथ साथ आप मिले ऐसे रहे बच्चों से भी। बेटा ये दूर है हमारा, दूर है। आओ एक मिनट ये खड़ा हुआ कैसे है? तो रो क्यों नहीं है? अब इधर आओ भाई, हमारी चीजें खराब हो रही है साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा हेलो, मेरा बेटा अपनी नींद से आगे कॉल कॉल के देगा। मेरा बेटा क्या था? बहुत बहुत क्या इतनी देर आपकी का इंतजार करने के बाद हमने ये क्रियाक्रम शुरू करा है। अरे सुंदर, अच्छा हाँ आप उम्र करके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर दिखाओ मुझे। अल्लाह खुश कर मुझे, पहचान लिया मैंने, पहचान लिया। गंदे बच्चे तुमने मिठाई तो खा ली ना, आओ इधर हाथ लाओ। मिठाई खा ली बस बहुत है, तुम्हें तो लूज हो गई है। उतारो ना इसको, चलिए लाइए दूसरा हाथ भी लाइए। आए तो मोबाइल पकड़ लो इसका। ना मुझे भी खिलाओ, समझे गुलाब जामुन का। अस्सलाम वालेकुम, कमान उतार लेते ना। सबको लोगों के जाते वक्त भी रोई, मैं आते वक्त भी रोई, पता नहीं क्यों मेरा दिल कांप रहा था। आप ही को देखा तो अच्छा लगा थोड़ा थोड़ा, और अम्मा को देखा तो हजार गुना ऐसा अच्छा लगा। ऐसी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। ये पहली सुबह है, सारे उठे हुए और आप इनकी सुबह भी सो रहे थे। आज बाबा मम्मा की ट्विनिंग हो गई। ओए होए, मेरी खुशी पीछे से सीख रहा है कपड़े। हां ट्विनिंग आ गई बाबा खुश है, आपकी वाइफ आ गई जी। बाबा क्या बोल रहे यार, बहुत खुश बोल रहे, बहुत खुश हूं। कोई कचरे का ये तो देखो पहले इसको जो करना पड़ता है। मैं पुराने ब्लॉग देख रही थी, इतना बड़ा मुंह देर के बाद आपको हमारा चेहरा आप ही के ब्लॉग में दिख रहा है। वजन देख के सब हिल रहे हैं। और मैं आप ही का वजन तो था, सीक्रेट है वजन। मैंने आप ही को ऐसे देखा ना, जैसे ऐसा थोड़ा सा टाइट में, ऐसा लग रहा है बरसात का सड़ा हुआ मेंढक जो दुबला साकड़ा सा होता है। बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अभी तुम, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अभी तुम। लैसा है नेचुरलाइज लग रही थी, इतने दिनों के बाद देखा ना, मैं भूल रही तुम्हें। और ये मिठाई खा रही है और हम बोल रहे हैं हाँ खाओ आप ही खाओ। गाइस मम्मा के मुंह पे नहीं जाए, मम्मा का मुंह थोड़ा सॉइल हो गया, मगर जिस्म बहुत सॉइल हो गई हूं बहुत ज्यादा। मैं अच्छा लग रहा है, घर एकदम हरा भरा हो गया मेरा, पहले तो सड़ी हुई सागड़ी। ये देखे जरा पड़ा बता, कभी भी नहीं जाता। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? अब इन लोग को बताओ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने वहाँ पे मेरा हैंड कैरी एक्स्ट्रा पैसे लग रहा था, अभी क्या करते हैं बताओ, बहुत लंबी हो गई।
लोग को बताऊं एक कंट्रास्ट बना है, ठीक है? वो कंट्रास्ट क्या है? तौबा सफार, वो कंट्रास्ट है ये, ठीक है? ये और ये कॉम्बिनेशन गाइस, हम लोग घर आ गए थे, हमारी ब्रेकफास्ट करेंगे और आप ही तो थक गई कि वो आती लेट गए, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो व्लॉग की एंडिंग कर सके, मगर हमारा व्लॉग यहाँ से अभी व्लॉग एंड कर दिया, यहाँ पे एंड होगा, मगर का वो आएगा, पार्ट टू आएगा इसका, क्योंकि अभी बहुत सारे आने वाले मेहमान और हम पता नहीं क्या ही करेंगे, ज़्यादा थक गए हम लोग। और आप इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो मुझसे प्यार करता है वो मैसेज करें। वाह आयत बैग, मैं वापस आ गई गाइस।